में से ऑक्शन नहीं हो पाई थी और आने वाली 25 तारीख को हम यमुना की ऑक्शन करने जा रहे हैं। और जिससे क्या है कि एक तो जो अवैध खनन होता है उस पर रोक लगेगी, सरकार को पैसा मिलेगा, लोगों को सस्ती सामग्री मिलेगी और लोगों को काम मिलेगा। और इससे क्या है कि जो अपने यमुना का जो क्षेत्र है दिल्ली से होडल तक, यहाँ भी माइनिंग हुई नहीं और बहुत लंबे समय से बंद है, जिससे क्या है कि लोग उत्तर प्रदेश से दूसरे स्थानों से रेती लेके आते हैं और जिससे मकान बनाने के लिए लोगों को समय समय जरूरत पड़ती रहती है। बहुत लंबे समय के बाद हम हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बस शामिल नहीं कर पाए थे, पर आने वाले समय में 1000 बस हम अपनी जो रोडवेज की लेने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि बिल्डअप बस होगी, लेटेस्ट बस होगी और हम 150 इलेक्ट्रिकल बस है, 150 AC बस है, 250 मिनी बस है और 800 नो बस हमारी HRDC में है, जो आने वाले समय में वो भी हमें जल्दी मिलेंगी कि इस तरह से 2000 बस हम हरियाणा के बेड़े में शामिल करेंगे। देखो, आप पार्टी का जो बात कहते हैं, आप पार्टी पे अपने लोगों पर भरोसा नहीं है और आप पार्टी वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अगर आप वालों को पानी दिलवाना है तो पंजाब से ला लें, पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है। और यमुना का जो हरियाणा का जो हिस्सा था, दक्षिण हरियाणा को सबसे बड़ी समस्या है, दक्षिणी हरियाणा का पानी का हिस्सा था और दक्षिणी हरियाणा जो लड़ाई है पंजाब की, उससे पानी नहीं मिल पा रहा और उसी में से दिल्ली को पीने का पानी मिलता था और पानी के लिए हाहाकार है। सुशील गुप्ता जी का हम धन्यवाद करेंगे कि पंजाब से पानी दिलाए और हमारा जो हिस्सा है पानी दक्षिण हरियाणा का पानी दें और दिल्ली प्यासी रहते दिल्ली को भी पानी दें, उन्हें गंगा का पानी लाने की आदत, यमुना से पानी मिल जाएगा, भाखड़ा से पानी मिल जाएगा। पंजाब में उनकी सरकार है, उसके बावजूद ये कह रहे कि पानी हम लेकर आए थे जब सरकार बनी, अभी उनकी सरकार में भी तो पानी नहीं। मैंने कहा तो है कि उनकी सरकार पंजाब में है और दिल्ली में भी उनकी सरकार है, भाई पानी लाए और पानी हरियाणा को मिलेगा, पंजाब का यूपी को तो नहीं, अपने दिल्ली को मिलेगा, सबको पानी मिले। जो हिस्सेदारी है जो हमारे दक्षिण हरियाणा की, राजस्थान की, हरियाणा की, दिल्ली की, सबको पानी मिलेगा, पर पानी लाने वाले नहीं है। ये इनके जो पॉलिटिकल भाषा है, ये भाषा इनकी ठीक नहीं है। अभी तो पंजाब में जो इन्हें झूठे जो वादे करे थे जो पंजाब के लोगों के साथ, फ्री शिक्षा, फ्री तेल, फ्री राशन, फ्री अपना 1000 रुपये देंगे, बिजली फ्री देंगे, जो फ्री की घोषणा है इसी में समय लगेगा। ये पानी की तो बात करेंगे क्या, इतने बड़े जंजाल में डूबेंगे कि कुछ भी नहीं दे पाएंगे।